नमस्कार, सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मोहिनी एकादशी वाले दिन सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। वीडियो को शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और ध्रष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र ध्रष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को भी नहीं मानता था। पितर जानते हैं ना, जो हमारे देवता होते हैं, जो हमारी पीढ़ी के लोग गुजर जाते हैं। वह वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना भी सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन खर्च करने का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम,
इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महामात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी की एक कथा और प्रचलित है, आइए उस कथा को भी सुनते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस साल 1 मई 2023 को मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी की तिथि 30 अप्रैल को रात 8:28 से शुरू हो रही है। वहीं इसकी समाप्ति 1 मई दिन सोमवार को रात 10:09 पर होगी। उदया तिथि को देखते हुए 1 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने और विधि विधान से जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करने से कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। ऐसे में चलिए आज मोहिनी एकादशी के दिन जानते हैं इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा, क्या है इसकी पौराणिक कथा। मोहिनी एकादशी कथा पौराणिक मान्यता के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया गया तो उससे अमृत कलश की प्राप्ति हुई। देवता और दानव दोनों ही पक्ष अमृत पान करना चाहते थे, जिसकी वजह से अमृत कलश की प्राप्ति को लेकर देवताओं और असुरों में विवाद छिड़ गया। विवाद की स्थिति इतनी बढ़ने लगी कि युद्ध की तरफ अग्रसर होने लगी। ऐसे में इस विवाद को सुलझाने और देवताओं में अमृत वितरित करने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। इस सुंदर स्त्री का रूप देखकर असुर मोहित हो उठे। इसके बाद मोहिनी रूप धारण किए हुए विष्णु जी ने देवताओं को एक कतार में और दानवों को दूसरी कतार में बैठ जाने के लिए कहा और देवताओं को अमृत पान करवा दिया। अमृत पीकर सभी देवता अमर हो गए। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था उस दिन वैशाख मास की शुक्ल एकादशी तिथि थी। इस दिन विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। तो भक्तजनों, ये थी कथा मोहिनी एकादशी व्रत। कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह से और कथा यदि आप सुनना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि भक्तजनों।